कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड में सभी निर्वाचित मुखिया और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। सभी निर्वाचित उम्मीदवारों ने मौके पर उपस्थित चंदवारा प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय यादव एवं पंचायत के सम्मानित जनता के सामने शपथ लिया और आने वाले 5 सालों में ईमानदारी से जनता की सेवा करने की कसमें खाई। शपथ ग्रहण समारोह में सभी नवनिर्वाचितों में काफी उत्साह दिखा। सभी ने जनता को वोट के लिए धन्यवाद दिया और काम में सहयोग की आशा की। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत शर्मा ने नव निर्वाचित मुखिया और पार्षदों से बात करने की कोशिश की और उनके आगे की नीति के बारे में सवाल किए। समारोह में जो हमारे चंदवारा BDO जी, उन्होंने शपथ दिलाया है, अब क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं। मुखिया जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस अवसर पर? बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, आप लोग जो लाड़ प्यार दिए हैं हमको, जो अपना समर्थन बहुमूल्य दिए हैं, इसका ऋणी मैं ज़िंदगी भर रहूँगा, इसका कर्ज मैं जीवन भर अदा नहीं कर। आपकी पंचायत में आपका पहला काम क्या होगा? भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, जो 12 साल से शिथिल पड़ा है हमारा कार्य, उसमें गति लाना, कृषि पे कुछ, शिक्षा में उन्नति, युवाओं को प्रोत्साहन वगैरह वगैरह बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें हमें 5 साल में करना है। चुनौतियां क्या होगी आपके पंचायत की? चुनौतियां बहुत सारी है, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कार्य से मतलब नहीं रखते हैं, पांव खींचने वाले होते हैं। मेरा उनसे एक संदेश है कि अगर मैं 100 के स्पीड में चलता हूँ तो आप 120 चल करके मुझसे आगे निकलो, ना कि किसी विकास के कार्य में बाधा बन के। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी।